डरा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। जो डर डरे डर ही फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। डक्षर के माध्यम से सदगुरु कबीर उपदेश करते हुए कहते हैं, डर उपजे डर होई। मन में डर उत्पन्न होने से, डर भय उत्पन्न होने से डर का भय का अस्तित्व होता है। अर्थ है कि भय एक भावना मात्र है। भावना न करो डर के तो डर कहीं है नहीं, भय कहीं है नहीं। इसलिए डर ही में डर राखो समोई, डर को डर में ही समाप्त दो, भय को भय में ही समाप्त कर दो, भय की भावना को, भय की कल्पना को छोड़ दो, निर्भय हो जाओ बस। जो डर डरे डरे फिर आवे। और जो व्यक्ति डर से डरता रहेगा, भय से भीत रहेगा, भय की भावना में डूबा रहेगा, वह तो बारंबार भय का शिकार होता रहेगा, कभी वो निर्भय नहीं हो सकेगा। वह जिन पूरा जीवन भय में ही व्यतीत करेगा और अंत में डरे फिर आवे। भय का मूल स्थान शरीर में उसे फिर आना होगा। साहब यहां कहते हैं कि डर भय एक भावना मात्र है, भय एक कल्पना मात्र। कल्पना कर करके हम भय खड़ा करते हैं। न हुई चीज को सोच सोच करके हम भय को अस्तित्व देते हैं, भय को खड़ा कर लेते हैं। अनावश्यक कल्पना ना करें, न हुई बातों को न सोचें, बस सामने जो घटना आती है, घटनाएं घट रही हैं, जीवन जो परिस्थितियां आ रही हैं आती हैं, उनका सामना करते चलें, उसमें यथा योग्य व्यवहार करते चलें, भय समाप्त। लेकिन ऐसा थोड़े होता है। आदमी भविष्य की कल्पना करता है, ये होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, अब ये नहीं होगा तो क्या होगा, बस ऐसे कल्पना करता है और भय को खड़ा कर लेता है। और एक प्रकार का भय थोड़े हैं। आज मेरे जो परिजन हैं, स्वजन परिजन जो प्रिय लोग हैं, उनके बिछुड़ जाने पर क्या होगा, प्रिय संबंधी के नहीं रहने पर क्या होगा, शत्रु का सामना होने पर क्या होगा, शत्रुओं से चारों तरफ से मैं घिर जाऊंगा तब क्या होगा, शरीर में रोग लग जाएगा तब क्या होगा, पता नहीं कौन सेवा करेगा, और खाने को आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा तब क्या होगा, कभी ऐसी जगह चले जाए, मान लो आज तो हम जहाँ हैं वहाँ सब खाने पीने की चीज़ है, अब मान लो ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ कोई परिचित ना हो, सब कुछ हमारा लूट ले तो क्या होगा, रोग लग जाएगा तो क्या होगा, ये कहीं देवी देवता कहीं क्रुद्ध हो जाएगा और नाराज हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, और कोई कहीं भूत प्रेत चढ़ बैठेगा तो क्या होगा, ग्रह टेढ़ा हो जाए, सकून असकून, ग्रह लगन, और न मालूम कैसे कैसे कल्पना आदमी करता रहता है और कर करके भय खड़ा कर लेता है। एक प्रकार का भय थोड़े हैं, गिन करके बताना मुश्किल। पूछे आज किसी आदमी पूछो कि तुमको कितने प्रकार का भय है तो बता नहीं पाएगा। तो भय में ही आदमी जीवन व्यतीत कर देता है। तो यहां साहब कहते हैं कि डर उपजे डर होई। भय की भावना खड़ा होने से भय होता है। भावना न करो, है और होता है भवितव्य। भवितव्य को हम टाल नहीं सकते, लेकिन भवितव्य क्या होगा हम बता नहीं सकते, कोई नहीं बता सकता।
कि भविष्य में क्या घटना घटने वाली है, किसके भविष्य को कौन बताया है। कहते हैं कि एक भविष्यवक्ता था, वह आदमी के लक्षणों को देखकर उसके मृत्यु के दिन को बता देता था, और कहते हैं कि ऐसा बताता था कि एकदम पक्का बता देता था कि अमुक दिन अमुक समय इसकी मौत होनी है। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, एक राजा ने बुलाया और राजा ने कहा कि क्या तुम किसी के मौत के दिन को बता सकते हो लक्षण देकर के। कहा हाँ हुजूर मैं बता सकता हूँ। तो राजा ने कहा अच्छा बताओ मेरी मौत कब होगी, कितने दिन बाद। तो उन्होंने देखा देखा कहा कि हुजूर आपकी मौत आज से 2 साल 6 महीना 18 दिन बाद होगी। कि अच्छा बिल्कुल सही कहा बिल्कुल, और राजा तो ऐसा सोचेगा ऐसा बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा तुम बताओ तुम्हारी मौत कब होगी। तो उन्होंने गिनना किया कहा कि मेरे हुजूर मेरी मौत आज से 8 साल 9 महीना 15 दिन बाद होगी। कि राजा ने कहा बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही। निकाल राजा निकाला तलवार गर्दन काट दिया तुरंत। इस प्रकार से भविष्यवक्ता कहाँ मरने वाले थे 8 साल 9 महीना बाद और तुरंत ही मर गए। तो कौन किसके भविष्य को जानता है। भविष्य आज तो सब अनुकूलता है, सारी सुविधाएं मिली हुई है, तो भविष्य में प्रतिकूलता आएगी उसको लेकर के भयभीत होने की क्या जरूरत। लेकिन मन का स्वभाव ही है कल्पना करते रहना, न हुई चीज को प्रस्तुत करते रहना, और न हुई चीज के बारे में जितना सोचेंगे उतना आदमी भयभीत होगा। इसलिए तो कहते हैं डर ही में डर राखो समोई, डर को डर में ही समा दो, भय को कल्पना मात्र समझ करके ही वहीं के वहीं छोड़ दो, कल्पना ना करो अनावश्यक रूप से। और अनावश्यक रूप से कल्पना करता रहेगा आदमी तो जिंदगी में कभी भय से मुक्त नहीं होगा। सामान्य आदमी की बात थोड़े हैं, अच्छे संपन्न लोग हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन वे भी तो भयभीत रहते हैं। संपन्न संपन्न लोग लेकिन भयभीत होते हैं कि पता नहीं बुढ़ापा में खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक भय है अनावश्यक, और इस भय में आदमी न हुए दुख को भोगता रहता है। आदमी वास्तविक दुख से उतना दुखी नहीं रहता जितना काल्पनिक दुख से दुखी रहता है, न हुए दुख से दुखी रहता है। तो ये तो अपना बनाया दुख, जो है उसको स्वीकार करें बस दुख समाप्त। वर्तमान में जो घटना घट गई उसे हम दूर नहीं कर सकते, हाँ उस घटना में कैसे जीवन जिए इसके लिए रास्ता खोज सकते हैं। भविष्य में घटना घटेगी उसे रोक नहीं सकते, जो घट गई है उसे दूर कर नहीं सकते, और जो भविष्य में घटना घटेगी उसे रोक सकते नहीं हैं, तब भयभीत होने का कारण क्या है। जो घटना घटेगी जिस समय उस समय भोग लिया जाएगा, और जो आज घटना घट गई है जो कुछ सामने है उसे उसी रूप में स्वीकार कर ले, और स्वीकार करके उससे अपना एक रास्ता निकालने का प्रयास करें बस। तो डर ही में डर राखो समय, साहब कहते हैं डर को डर में समा दो, भय को कल्पना मात्र समझ करके वहीं के वहीं छोड़ दो, अनावश्यक भय को तूल मत दो, जितना तूल देंगे उतना वो भय का स्वरूप और विकराल होता जाएगा, फिर उतना और आदमी और भयभीत होता रहेगा। जो डर डरे डरे फिर आवे, और जो व्यक्ति डरता रहेगा भय में डूबा रहेगा जीवन पर्यंत वह भयभीत होकर के ही जीवन जिएगा, आक्रांत रहेगा, कभी वह निश्चिंत हो ही नहीं सकता, निर्भय हो ही नहीं सकता है। और अंत में क्या होगा, डर ही में फिर डर ही समावे, भयभीत होकर भय में जीवन जीते हुए और डरते डरते ही शरीर का त्याग करेगा, और शरीर त्याग करने के पश्चात भय का मूल स्थान इस शरीर में से फिर आना पड़ेगा। सारे भय का केंद्र हमारा ही शरीर ही तो है, सारा भय क्यों शरीर को लेकर के। रोग
शरीर न रहे तो रोग किसको लगेगा, प्री के अभियोग अप्री संयोग शरीर को लेकर के ही है। शकुन अपशकुन देवी देवता भूत प्रेत का भय शरीर को लेकर के ही है। और जो शरीर सारे भय का मूल स्थान है, जो जीवन जिस जीवन में तमाम दुख विपत्ति कष्ट प्रतिकूलता अपमान झेलना पड़ता है, उस जीवन से आदमी भयभीत नहीं होता है। भयभीत होता है आदमी मौत से, जो मौत सारे भय से आदमी का छुटकारा दिला देती है। आदमी सबसे बड़ा भय किसका होता है? मौत ना हो जाए। मौत हो जाए तो क्या बिगड़ेगा भाई, किसका क्या नुकसान होगा? आज जीते जी आदमी को कौन सा लाभ हो रहा है? जीते जी आदमी संदेह से घिरा है, चिंता से घिरा हुआ है, भय से घिरा हुआ है, तमाम प्रतिकूलताओं से अपमान से घिरा हुआ है। मौत आई, इन सब से छुटकारा दिला दी, तो मौत तो ठीक हुई जीवन की अपेक्षा। और फिर यदि हम ये सोचें कि मौत होने के बाद क्या बिगड़ेगा, यदि हम ये मानते हैं शरीर और जीव अलग अलग है, शरीर नाशवान है और जीव अमर है, तो मौत होने पर नाश तो शरीर का, जो नाशवान वस्तु है शरीर उसका ही नाश होगा ना। जीव तो अमर है और हैं और हम अमर जीव हैं, तो हमारा क्या बिगड़ा मौत होने पर? यदि अमर जीव नाम की सत्ता है तो मौत से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। शरीर के मौत हो जाने पर तब भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। और यदि शरीर से अलग आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, शरीर समाप्त तो सब समाप्त, तो मौत से भयभीत होने का कोई कारण है? शरीर समाप्त, सब समाप्त हो गया, चिंता फिक्र भय सब समाप्त हो गया, किसका क्या बिगड़ा? दोनों स्थिति में मौत से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। इसलिए निर्भय होकर के जीवन जिए। भय भय करके तो वर्तमान जीवन को भी ठीक से जिया नहीं जा सकता है। भयभीत आदमी जीवन का आनंद जीवन का सुख थोड़े भोग पाता है, जीवन का सुख भी तो वही भोगता है जो निर्भय रहता है। इसलिए साहब कहते हैं भय एक भावना मात्र है, इसलिए भावना मात्र समझ कर उसे त्याग कर दो और निर्भय हो जाओ। निर्भय होकर के सतत अपना काम करते चलो।